अल्पाहार लिटिल मिलेट पालक खिचड़ी। इसके लिए हमें चाहिए अल्पाहार का लिटिल मिलेट। आधी कटोरी अल्पाहार लिटिल मिलेट लें। इसे 2 कप पानी में 8 घंटे के लिए भिगो लें। एक प्रेशर कुकर में भीगा हुआ भगर डालें। आधा कप भीगी हुई मूंग दाल डालें। मैं यहाँ पर बिना छिलके वाली मूंग दाल ले रही हूँ, आप चाहे तो छिलके वाली लें। 4 कप पानी डालें और 3 सीटी आने तक पकाएं। एक पैन में 4 बड़े चम्मच घी गरम करें, उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालें, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटे टमाटर 1/4 कप। सभी चीज़ें 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनें। अल्पाहार टर्मरिक पाउडर। आधा छोटा चम्मच अल्पाहार टर्मरिक पाउडर डालें। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालें। 1/2 कप पिसा हुआ पालक डालें। 2 मिनट के लिए सभी चीज़ें अच्छे से मिलाकर पकाएं। तीन सीटी आने के बाद प्रेशर कुकर खोलें। भगर और दाल अच्छे से पक चुके हैं। पालक और टमाटर की ग्रेवी में उबला हुआ भगर और दाल मिलाएं। स्वाद अनुसार नमक डालें। दो मिनट मंदी आंच पर पकाएं। अल्पाहार लिटिल मिलेट पालक खिचड़ी तैयार है।